राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार ने थाम लिया है एनडीए का हाथ। पटना में आज पार्टी की बैठक के बाद नीतीश ने एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन का ऐलान कर दिया। नीतीश के फैसले ने कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ा दी हैं। कल राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की बैठक होने वाली है। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय। नीतीश ने किया कोविंद को समर्थन का ऐलान। बिहार में सरकार चला रहे महागठबंधन के दो साझेदार कांग्रेस और आरजेडी के खेमे में खलबली मच गई है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के लिए अपना समर्थन जाहिर कर दिया है। नीतीश के इस निर्णय के बाद कल यानी 22 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले ही कांग्रेस और तमाम दलों के लिए ये बुरी खबर है। हालांकि नीतीश ने तभी ये संकेत दे दिए थे जब कोविंद की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए। अब नीतीश के भी समर्थन की घोषणा के बाद कोविंद के राष्ट्रपति बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इसके लिए जरा आंकड़ों का खेल समझिए। एनडीए के पास अपने भूते 5,32,000 वोट हैं। वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस पहले ही अपना समर्थन जता चुकी है। वाईएसआर कांग्रेस के पास 17,574 वोट हैं, जबकि टीआरएस के पास 22,048 वोट। अब एनडीए के वोट में नीतीश का 20,779 वोट भी जुड़ जाएगा, तो कुल मिलाकर रामनाथ कोविंद के समर्थन में 5,92,000 वोट हो चुके हैं, जबकि जीत के लिए 5,49,000 वोट ही चाहिए। कांग्रेस को नीतीश के इस ताजा झटके के बीच ऐसी खबरें भी आई कि नीतीश ने यह शर्त रख दी थी कि कांग्रेस उनकी राह पर चले और उन्हें विपक्ष का नेता बनाए, लेकिन शर्त पर कोई फैसला होने से पहले ही नीतीश ने अपना फैसला सुना दिया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।